आबादी कश्मीर में भी कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसका कहर लगातार जारी है। रोजाना जो मुसलमान है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लॉकडाउन का निफाज भी लगातार जारी है। हम इस वक्त जहांगीर चौक में मौजूद है। यहाँ पर इंतजामिया की जानब से एक टीम लाई गई है जो कर रही है, और यहाँ पे जो लॉकडाउन के दौरान बाहर निकल रहे हैं लोग उनको उनका ही टेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं वैन लगाई गई है। इसके अलावा जो पुलिस एहलकार यहाँ तैनात है वो लोगों को आ रही है और उनका टेस्ट हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पे जो मेडिकल टीम है, हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम ये हमारा दूसरा स्पॉट है। पहले हम जवाहर नगर में थे, वहाँ से हमने करीब 150 के करीब किए, तो यहाँ पे अभी हमने शुरू किया। मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है तो इसलिए सोचा कि अब यहाँ पे करके देखते हैं। तो कितने अभी तक कोई पहुँच नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने 150 के टेस्ट किए तो रिपोर्ट कोई नहीं आया। हाँ, मैंने दो चार दफा किया था। मैं पिछले साल पॉजिटिव भी आया था, इस साल भी मैंने किया था, रेड भी किया था, आरटीपीसीआर किया था बटमो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, लेकिन बदकिस्मत के सबक एक महीना गुजरने के बावजूद भी उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला। जब तक आरटीपीसीआर में अच्छे पैसे खर्च हो रहे हैं, मैं खुद टैक्स पेयर हूँ, पैसे हमारे भाई हो रहे हैं, आरटीपीसीआर का रिपोर्ट नहीं आ रहा है, वो वास्तव में बहुत बड़ी लापरवाही है। हम गवर्नमेंट को चाहे कि गवर्नमेंट हाई के तरीके से बहुत ही हाई करें। गवर्नमेंट कश्मीर ये बड़े मौके की जो पुरानी चाहे कि हर दिन सोचे में हर जगह टैक्सी की खतर भी बढ़नी चाहिए ताकि लोग टैक्सी करें। अगर किसी को टैक्सी करना होता है तो दो एक दिन वेट करना पड़ता है। वो पूरे हमारे टाइम हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सेंटर खोले ताकि ज्यादा से ज्यादा जब तक हो जाए। जैसे कि पहली बार आप तक कोई बस नहीं आया है। अब